कि जाति पाति की बेड़ियों को तोड़ दो, गरीबों एक मंच पर आ जाओ, वरना इस देश में तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी। ये भगत सिंह की कमाई को तुम ऐसे पैसे खाते हो, बाबा साहेब के सपनों को क्यों पूरा नहीं दिखाते हो। तुम हो जाए नहीं सर्वस्व तेरा लुट जाए। अब भैया जब तुम सोचे रह गए, तुम माताओं बहनों बेटिया की शादी किस घर में करोगी, सब नशेड़ी हो जाएंगे। इसलिए दारू जब देश में बंद हो, समान शिक्षा लागू हो, तब जाकर इन गरीबों का भाइयों भला होगा। और आगे तुम्हें बताऊंगा, नशा केवल दारू का नहीं है, हमारे लोगों के पास अगर एक नशा होता तो काम चल जाता, इनके पास नशा की खेती नहीं है। एक दूसरे की बुराई करना ये भी तो नशा है, किसी को अपने रूप का नशा, किसी को अपने जवानी का नशा, किसी को अपने धन का नशा, किसी को बड़ा परिवार है इसका नशा, ये भी तो नशा है, खाली दारू का नशा है। आनंद राज समझाई रहे, यदि जाए नहीं हो जाए गरीब का लड़का अलग पढ़ेगा, अमीर का लड़का अलग पढ़ेगा, लेकिन संविधान तो कहता है एक जगह पढ़ेगा। क्या आपको लगता है इस देश में संविधान लागू है, लागू लगता है कहाँ लागू है? अगर संविधान भाइयों लागू होता तो जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता वहीं अमीर का बच्चा पढ़ता। इन अमीरों ने संविधान में चोर दरवाजा लगा दिया, गरीबों तुम जान नहीं पाए। बाबा साहब को कभी दो दिन बैठ करके नहीं लोगों ने पढ़ा, और जब हम कह देते हैं तो उनको बुरा लगता है। एक महीना इस समय कांवड़ धोते हो गए,